वही वीडियो देखो जो आए बिना ब्रेक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। तो सवाल यह है कि लॉकडाउन खुलेगा और क्या रियायतों के साथ लॉकडाउन खुलेगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि कल पीएम मोदी ने सभी राज्यों के सीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मैराथन मीटिंग की और मीटिंग में ज्यादातर राज्यों ने लॉकडाउन बढ़ाने का सुझाव रखा, हालांकि आर्थिक गतिविधियां शुरू करने की बात भी कही गई। लॉकडाउन 1 और लॉकडाउन 2.0 के बाद पीएम मोदी ने ये दो नारे दिए थे, अब उनका नया नारा है जन से जग तक। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी की बैठक 6 घंटे तक चली। लॉकडाउन लागू होने के बाद से लेकर अब तक ये 5वीं बैठक थी। बैठक की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना से जंग में राज्यों से मिले सहयोग के लिए उनकी तारीफ की। उन्होंने कहा कि भारत इस संकट से अपने आप को बचाने में बहुत हद तक सफल हुआ है, लेकिन उन्होंने आगाह किया कि 2 गज की दूरी ढीली हुई तो संकट बढ़ेगा। प्रवासी मजदूरों की घर वापसी और श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की ओर इशारा करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि उनका प्रयास था कि जो जहां है वहीं रहें, लेकिन लोग अपने घर लौटना चाहते हैं, लिहाजा उन्हें कुछ फैसले बदलने पड़े। लेकिन बैठक में उन्होंने एक बड़ी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि कोरोना का संक्रमण गांव तक न पहुंचे, इसे रोकने की बड़ी चुनौती है। बैठक की शुरुआत में अपनी बात रखने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों को अपनी समस्याएं रखने का मौका दिया। करीब 6 घंटे तक तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपनी बात रखी। सूत्रों की माने तो बैठक के अंत में पीएम मोदी ने कहा कि आप लोगों के उत्साह की बदौलत हम ये लड़ाई जीतेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि जो मुख्यमंत्री अपनी बात पूरी तरह नहीं रख पाए वो अपने सुझाव 15 मई तक भेज दें। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि आर्थिक गतिविधियां कैसे चालू हो इस पर केंद्र सरकार विचार कर रही है। कोरोना संक्रमण की तुलना एक बार फिर विश्व युद्ध से करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना के बाद उसी तरह एक अलग जीवन शैली विकसित होगी जैसे प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई थी। आखिर में पीएम मोदी ने कहा कि इस वक्त जन से जग तक की समस्याओं को सुलझाने की जरूरत है। दरअसल राज्य केंद्र से शिकायत कर रहे हैं कि उनकी अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी, ऐसे में उन्हें फैसला करने दिया जाए। वहीं सूत्रों से खबर है कि प्रधानमंत्री कार्यालय चाहता है कि अब राज्य लॉकडाउन से लेकर आर्थिक गतिविधियों तक अपने फैसले खुद करें। अगर ऐसा हुआ तो 17 मई के बाद राज्य तय करेंगे कि उन्हें लॉकडाउन बढ़ाना है तो कब तक और कहां कहां। वहीं लॉकडाउन के दौरान आर्थिक गतिविधियों को कहां और कैसे आगे बढ़ाना है ये भी वो तय कर सकेंगे। राहुल श्रीवास्तव और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। तो अब राज्यों पर फैसला छोड़ दिया गया है कि वहां पर लॉकडाउन वो बढ़ाना चाहते हैं या फिर किस तरीके से आर्थिक गतिविधियां शुरू करना चाहते हैं, और बैठक में ज्यादातर राज्य लॉकडाउन के समर्थन में ही नजर आए। लेकिन इस बैठक में संघीय ढांचे और राज्यों को छूट देने की बात भी कही गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने केंद्र पर आरोप लगाया कि वो राज्यों पर अपना फैसला थोप रहे हैं। कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच जन से जग तक की समस्याएं कैसे दूर की जाएं, इस मुद्दे पर तमाम मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने सुझाव रखे तो केंद्र से कई बातों की मांग भी कर डाली। राज्य लगातार मांग कर रहे थे कि उन्हें ज्यादा अधिकार दिया जाए और आर्थिक गतिविधियों को लेकर भी वो खुद फैसला करें। इसी मुद्दे पर पश्चिम बंगाल की ममता बैनर्जी के तीखे तेवर सामने आए। बैठक में अमित शाह को तेवर दिखाते हुए ममता ने फाइल अपनी टेबल पर जोर से रखते हुए शुरुआत की। ममता बैनर्जी ने कहा, आपको संघीय ढांचा बनाए रखना होगा, केंद्र फैसले लेकर राज्यों को महज सूचित नहीं कर सकता है। केंद्र और राज्यों को टीम के तौर पर मिलकर कोरोना की चुनौती से निपटना होगा। ममता बैनर्जी ने कहा कि चिट्ठियां लीक करना संघीय भावना के खिलाफ है, हमें राजनीति से ऊपर उठना होगा। ममता बैनर्जी ने पीएम मोदी से अपने राज्य का जीएसटी का हिस्सा मांगा। ममता ने कहा, बंगाल का कुल 61,000 करोड़ रुपए बकाया है। एक बार फिर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बुलाई गई मीटिंग में अपनी बात साफ साफ कह दी। एक ओर जहां उनकी चिट्ठियां लीक कर दी जाती हैं, तो वहीं केंद्र के ऊपर आरोप लगा दिया कि बंगाल के प्रति बार बार पक्षपात होता है। ऐसे में इस लड़ाई और तनातनी के दौर में ये एक और अध्याय ही रहा। ममता बनर्जी ने केंद्र की टीम को बंगाल में भेजने पर भी एतराज जताया और कहा कि उन्हें केवल राज्य सरकार को परेशान करने के लिए भेजा गया था। आज तक ब्यूरो।
चलिए अब आपको दिखा देते हैं कि कौन कौन से वो राज्य हैं जो लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में हैं और चाहते हैं कि आगे भी यानी कि 17 मई के बाद भी ये लॉकडाउन जारी रहे। पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, असम, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, ये वो राज्य हैं जो लॉकडाउन आगे भी बढ़ाना चाहते हैं। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता से तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, बड़ा सवाल ये कि लॉकडाउन बढ़ा तो दिया जाएगा, लेकिन इस लॉकडाउन के बीच कैसे आप आर्थिक गतिविधियां शुरू करेंगे, जिस पर कई राज्यों के मुख्यमंत्री पहले भी जाहिर कर चुके हैं कि सब कुछ सामान्य होने से पहले कम से कम यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि कुछ चीजें तो व्यवस्थित हो जाएं। मंत्रियों की चिंता यही थी कि लॉकडाउन की जो समय सीमा है उसको बढ़ाया जाए, जिससे कि कई चीजें जो है वो पटरी पे आ सके। अगर जनजीवन को चलाना होगा तो उसको उसमें कुछ रिलैक्सेशन देना होगा, लेकिन लॉकडाउन बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया था कि अर्थव्यवस्था को भी पटरी पर लाना है, और इसीलिए आर्थिक क्षेत्र को कैसा खोला जाए इसको लेकर जो है सभी मुख्यमंत्रियों को 15 तारीख तक जो है अपनी रिपोर्ट को देना होगा। लेकिन प्रधानमंत्री ने यह भी कह दिया कि जन से लेकर जो है वो सोचना होगा, और दो गुज की जो दूरी है अगर उस पर ढील बरती गई तो संकट गया। सबसे बड़ी बात यही है कि अब ये तय करना होगा कि किस तरीके से लॉकडाउन को फेज वाइज फेज खोलना होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने तो ये भी कह दिया कि बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता जानकारी देते कौन कौन से वो राज्य हैं जो चाहते हैं कि लॉकडाउन 17 मई के बाद भी आगे एक्सटेंड हो, लेकिन लॉकडाउन के बीच आज से सबके लिए रेल सेवा की शुरुआत हो रही है। पहले दिन इसकी शुरुआत 8 ट्रेन के सफर के साथ शुरू होगी। यात्रा वही कर सकेंगे जिनके पास कंफर्म ऑनलाइन टिकट होगा। संक्रमण के खतरे को देखते हुए स्टेशन पर सभी यात्रियों की मेडिकल जांच की जाएगी। कोरोना के लक्षण नहीं मिलने पर ही यात्रा की इजाजत। लॉकडाउन का लॉक खुलेगा या नहीं तो कह नहीं सकते, पर यह तय हो गया है कि आज से सबके लिए रेलगाड़ी सर पर दौड़ने वाली है। मंगलवार के दिन मंगल यात्रा पर निकलने वाली ट्रेनों की बुकिंग हो गई है, सारी सीट भर गई। 3 घंटे में 54,000 से ज्यादा टिकटों की बुकिंग हो गई। टिकट के लिए उमड़ी इस भीड़ से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि अपने अपने शहर जाने के लिए लोगों में किस कदर की बेचैनी है। जो लोग प्रयाण करते उनका जिम्मेदारी भी उतना ही जरूरी है। उनका हेल्थ ठीक रहना, उनका आरोग्य स्वस्थ रहना, वो जाने के लिए। नई दिल्ली स्टेशन से आज यात्रा करने वाले जिन मुसाफिरों के पास कंफर्म टिकट है वो स्टेशन में सिर्फ पहाड़गंज की तरफ से ही एंट्री कर सकेंगे। बिना कंफर्म टिकट वाले स्टेशन के अंदर नहीं जा सकेंगे। रेलवे ने यात्रियों के लिए गाइडलाइन भी जारी किया है, जिसके मुताबिक सभी यात्रियों की स्टेशन के एंट्री गेट पर आवश्यक स्क्रीनिंग की जाएगी। जिन यात्रियों में संक्रमण के कोई लक्षण नहीं पाए जाएंगे उन्हें ही यात्रा की अनुमति होगी। सभी स्टेशनों के एंट्री और एग्जिट पॉइंट और कोचों में सैनिटाइजर की व्यवस्था होगी और इसका इस्तेमाल अनिवार्य होगा। स्टेशन पर दाखिल होते समय यात्रा के दौरान यात्री को मास्क पहनना और चेहरा ढकना होगा। एंट्री एग्जिट और यात्रा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा। पैसेंजर्स को हर समय फेस मास्क या फेस कवर पहनना होगा। उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करना होगा। गंतव्य पर पहुंचने पर यात्री को राज्य सरकार द्वारा पारित किए गए हेल्थ प्रोटोकॉल्स का अनुपालन करना होगा। आज से चलने वाली सभी ट्रेनों में एसी कोच हैं, लेकिन यात्रा के दौरान रेलवे एसी बोगियों में कंबल चादर नहीं देगा। यात्रियों को इसका प्रबंध खुद करना होगा। वहीं हवाई यात्रा की तरह ही रेलवे ने भी ये साफ कर दिया है कि यात्रियों को स्टेशन कम से कम 90 मिनट पहले पहुंचना होगा, ताकि हर यात्री मेडिकल जांच से गुजर सके। स्टेशन आने के लिए यात्रियों को अलग से पास की जरूरत नहीं होगी, उनके कंफर्म टिकट ही स्टेशन पहुंचने का पास होगा। कंफर्म्ड ई टिकट होने पर ही पैसेंजर रेलवे स्टेशन में एंट्री प्राप्त कर सकता है। इस कंफर्म्ड ई टिकट के आधार पर वह स्टेशन तक आ सकता है। उसे अलग से कर्फ्यू पास वगैरह लेने की जरूरत नहीं। स्टेशन पर पैसेंजर्स की स्क्रीनिंग होगी और केवल एसिम्प्टोमैटिक पैसेंजर्स को ही ट्रेन पर बोर्ड करने की अनुमति दी जाएगी। दिल्ली समेत तमाम स्टेशनों में आज की यात्रा के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। स्टेशन में रेलवे के बड़े अधिकारी खुद मौजूद रहेंगे। साफ सफाई के लिए जो उनको केमिकल दिया गया है, सैनिटाइजर के लिए हर सीट और खम्भे, दीवार, जो भी रेलिंग है हाथों में पकड़ने के लिए, पैसेंजर जो पकड़ के चढ़ता है उतरता है, वो सारी चीज़ों को हमने साफ सफाई पूरी तरह करवा दिया। और रात जहाँ तक मुझे लगता है कोई काम हमको सफाई के लिए बचा नहीं है, लेकिन फिर भी पूरी कामयाबी
कामयाबी तक इस कोरोना वायरस को हमें पहुंचाना है कि ताकि किसी भी तरह का कोई हमारे से चीज छूटना कि किसी को ये चीज इफेक्ट लगता है। मंगलवार के दिन रेलवे मंगल यात्रा की पूरी तैयारी कर चुका है, यात्री भी तैयार हैं, लेकिन इस जोश में लापरवाही की कोई जगह नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ संक्रमण के तमाम खतरे से बचने के लिए जरूरी एहतियात बरतनी होगी। दिल्ली में मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। रेल सेवा शुरू होने से लोगों में राहत है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पहले दिन 54,000 लोगों ने टिकट की बुकिंग की। हालांकि इससे पहले IRCTC की वेबसाइट ने काम करना बंद कर दिया था। वैसे तो रेलवे ने सोमवार को 4 बजे से ही IRCTC वेबसाइट से ऑनलाइन टिकट बुक कराने का ऐलान किया था, लेकिन बुकिंग शुरू हुई नहीं कि वेबसाइट क्रैश होने लगी। फिर खुली भी तो टिकट बुकिंग की कोशिश करते ही एरर का मैसेज आने लगा। इस पर हड़कंप मचा तो रेलवे ने टिकट बुकिंग का काम 2 घंटे के लिए टाल दिया। सफाई में ये ट्वीट नथी कर दी कि स्पेशल ट्रेनों से जुड़ा डेटा IRCTC के वेबसाइट पर डाला जा रहा है। ट्रेन टिकट की बुकिंग कुछ देर में संभव होगी, थोड़ा इंतजार करें। अभी भी यहाँ घूम रहा है लगातार और आप इंतजार कर रहे हैं बैठकर कि ये खुलेगा वेबसाइट, तब हम जाकर इस पर ट्रेन की टिकट बुक करा सकते हैं। हमने बात करने की कोशिश की रेलवे में कुछ लोगों से, तो वहां से जो संदेश मेरे पास आया वो मैं आपको बता देता हूं। उनके मुताबिक के हैवी ट्रैफिक लोड की वजह से इस समय हालात कुछ ऐसे हो गए हैं। शाम 6 बजे के बाद भी मुश्किलें कम नहीं हुई। कुछ जगहों पर बुकिंग हो गई, लेकिन जहां प्रेशर ज्यादा था वहां सिस्टम हैंग ही होता रहा। लेकिन फिर गड़बड़ी दूर हुई और 1.5 घंटे के अंदर ही 18,000 टिकट बुक हो गए। अगले 2 घंटे में ये तादाद 30,000 तक पहुंच गई। बुकिंग बंद होते होते 54,000 सीट की बुकिंग हो गई थी। आज चलने वाली ट्रेनों की बात करें तो 8 ट्रेनें चलाई जाएंगी, जिनमें नई दिल्ली से डिब्रूगढ़, नई दिल्ली से बेंगलुरु, नई दिल्ली से बिलासपुर, वहीं हावड़ा से नई दिल्ली, पटना से नई दिल्ली, बेंगलुरु से नई दिल्ली, मुंबई सेंट्रल से नई दिल्ली, अहमदाबाद से नई दिल्ली के बीच। संक्रमण से बचने के लिए रेलवे ने एहतियात के तौर पर कई कदम उठाए हैं, लिहाजा स्टेशन पर ट्रेन के वक्त से काफी पहले पहुंचे, क्योंकि प्लेटफॉर्म पर जाने से पहले सभी यात्रियों को जांच से गुजरना होगा। केवल उन्हीं यात्रियों को सफर की इजाजत दी जाएगी जिनमें सर्दी खांसी बुखार जैसा कोई लक्षण नहीं होगा। उम्मीद है लोग इन तमाम एहतियातों का पालन करेंगे तो रेलवे में उनका सफर सुरक्षित होगा। दिल्ली में मिलन शर्मा के साथ संजय शर्मा, आज तक ब्यूरो। तो आज से ही रेल सेवा बहाल हो रही, यात्रा की शुरुआत की जा रही है, लेकिन तैयारियों को लेकर रेलवे के आला अधिकारी क्या कह रहे हैं सुनिए। हम ग्रेजुअली ट्रेन सर्विसेज शुरू कर रहे हैं, पैसेंजर ट्रेन सर्विसेज शुरू कर रहे हैं। इससे पहले हमारी श्रमिक स्पेशल ट्रेन चल रही हैं, वो लगातार चलती रहेंगी। पार्सल और गुड्स ट्रेन जो हमारी हैं, फेयर ट्रेन से, वो भी चलती रहेंगी। आज से हमने डिसाइड किया है कि 15 रूट्स पे, मतलब 15x2 30 सर्विसेज वीकली सर्विस, हर दिन चलने वाली सर्विसेज, उसमें कुछ बाई वीकली, कुछ ट्राई वीकली, कुछ वीकली, ये सर्विसेज हम रिज्यूम करने जा रहे हैं। इसमें राजधानी के इक्वलेंट सर्विसेज हैं, ऑल एसी क्लास हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड एसी तीनों के क्लासेज हैं इसमें। ये बुकिंग हमने आज शाम 6 बजे से शुरू कर दी है और कुछ ट्रेनों में काफ़ी अच्छी बुकिंग हमको मिली है, थर्ड एसी और फर्स्ट एसी में। कल की हावड़ा राजधानी जैसे है कि 10 मिनट के अंदर बुकिंग हो चुकी है। इसी तरह अन्य ट्रेनों में लगातार सीटें भर रही हैं और भारतीय रेल पूरे प्रिकॉशंस के साथ सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को फॉलो करते हुए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के कंसल्टेशन के साथ जो हमने नॉर्म्स बनाए हैं उनका पालन करते हुए ये ट्रेन हम चलाने जा रहे हैं। विद्या हमारे संवाददाता इस वक्त मुंबई से तमाम जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। दिल्ली से हमारे संवाददाता संजय शर्मा हमारे साथ हैं। संजय, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, क्योंकि दिल्ली से आज से 8 ट्रेनें चलाई जा रही हैं अलग अलग गंतव्य के लिए, लेकिन जो इंतजाम किए गए थे उनका पालन ठीक तरीके से हो रहा है क्या, और पहली ट्रेन कब शुरू होने वाली है या फिर रवाना हो चुकी है? पहली ट्रेन दिल्ली से तो 4 बजे खुलेगी सबसे पहली ट्रेन, लेकिन पूरे देश में अगर पहली ट्रेन की बात करें तो वो हावड़ा से 10 बजे उसका रवाना होने का समय है। हमारे साथ ये 4 लोग जो गुड़गांव से पैदल आए हैं और इन्हें भोपाल जाना है, और ये ऐसे 54,000 लकी लोगों में से शामिल हैं जिनकी टिकट कंफर्म हो गई है। आपसे 2 मिनट बात करते हैं, आप लोग कितने बजे आपने टिकट बुक करा ली थी, आपकी टिकट कब बुक होगी? कल मैंने शाम को 6 बजे तक टिकट बुक करा ली थी। 4 से 6 तक आप लोग परेशान होते रहे, वो क्रैश हुई, वो साइड क्रैश हो गई, उन्होंने बोला फिर 6 बजे, फिर 6:30 बजे
पन्ने टिकट की। कितना किराया आपका लगा है? वो 1240। 1240 और आज ये अभी पहुंच गए हैं क्योंकि इन्हें लगा कि गुड़गांव से यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा, पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। ये यहां पहुंच गए हैं और यहां अब इंतजार कर रहे हैं कि किस समय उनके उन्हें एंट्री मिलेगी अंदर। फिलहाल एंट्री किसी को नहीं मिल रही है। सुरक्षा कर्मियों ने पूरा परिसर, किसी भी तरह के लोगों को जब जिस समय एंट्री मिलेगी उस समय सबके टिकट जांच करके दे दिया जाएगा। और इन सबके पास, सारे लोगों के पास मोबाइल में अपने कंफर्म टिकट हैं और ये लेकर अंदर जाएंगे। अंदर साफ सफाई का काम चल रहा है और इसके साथ ही बाकी तैयारियां अपने आगे की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। यार्ड में गाड़ियों को पूरी तरह से सैनिटाइज कर दिया गया है और जो उच्च अधिकारियों से हमारी बात हुई है, यहाँ से 3 ट्रेनें आज चलेंगी, 3 ट्रेनें पैसेंजर और 1 श्रमिक एक्सप्रेस चलेगा जो अजमेरी गेट की तरफ से चलेगा। बाकी इन सारे लोगों को यहां से पहाड़गंज की तरफ से एंट्री दी गई है और अधिकारियों की तरफ से कहा गया है कि 12 तारीख से 18 तारीख तक जितनी ट्रेनें चल रही हैं सब के आपके पास। विद्या हमारी संवाददाता मुंबई से हमारे साथ जुड़ी हुई है। विद्या, मुंबई भी ट्रेन पहुंचेगी, दिल्ली से ये ट्रेन रवाना होगी, लेकिन बड़ा सवाल ये कि मुंबई में कंप्लीट लॉकडाउन है, ऐसे में लोग अपने घरों तक कैसे पहुंचेंगे? ना ट्रेन, जो लोकल ट्रेन है वो चल रही है, ना बसें चल रही है, ना टैक्सी चल रही है, कैसे जाएंगे लोग अपने घर? जी देखिए, अब नेहा, अभी तक तो जितनी ट्रेनें, जैसे मैं यहाँ पे फिलहाल सीएसटी पे खड़ी हूँ, मुंबई सेंट्रल में आज ट्रेन जो है मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन को शाम को निकलेगी, जो कल दिल्ली पहुँचेगी और दिल्ली से जो ट्रेन है वो कल पहुँचेगी यहाँ पर। लेकिन फिलहाल इन पैसेंजर्स का जो 1250 यानी कि तकरीबन 150 के आसपास जो लोग, 1500 के आसपास जो लोग आएंगे, ये पहली बार आएंगे मुंबई में। और यही जाहिर सी बात है, महाराष्ट्र सरकार अभी भी तय कर नहीं पा रही कि क्या करना है इन लोगों का, क्या इनका इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन होगा, जैसे कि हमने देखा था जो फ्लाइट से जो लोग आए थे लंदन और दूसरी जगहों से, इन सबको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखा गया है। लेकिन अब ये ट्रेनें अगर लगातार एक के बाद एक आती जाएंगी तो तादाद जाहिर है कि बढ़ता जाएगा। तो क्या सभी लोगों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखेंगे या फिर इनको घर के क्वारंटाइन में रखना पड़ेगा, ये निर्णय आज भी महाराष्ट्र सरकार को लेना है। कहा जा रहा है कि आज शाम तक इस पर निर्णय ले लिया जाएगा। फिलहाल आप देख लीजिए, यहाँ पर जो श्रमिक स्पेशल ट्रेन है यहाँ से सीएसटी से जाती है, इनके लिए जब पैसेंजर्स यहाँ खड़े हैं, इनमें कोई सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए कोई दिख रहा है ऐसा लगता नहीं है, सब आसपास में खड़े हैं। इन सबको अंदर ले जाया जाएगा, स्क्रीनिंग किया जाएगा और उसके बाद ये ट्रेनें अंदर से जाती हैं। कल जैसे हमने देखा था जब लोग आए थे तो बहुत ज्यादा लोग आ गए थे, तो कुछ लोगों को वापस भी घर में बसों में बैठा के घर ले जाया गया। तो श्रमिक के लिए जो लोग हैं, जो श्रमिक स्पेशल ट्रेन के लिए आते हैं, उनके लिए तो बकायदा नजर बनाए रखिए। विद्या और संजय शर्मा हमें जानकारी दे रहे थे दिल्ली और मुंबई से, बता रहे थे कि किस तरीके से अब ट्रेनों की बहाली हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद कई सारी ऐसी दिक्कतें आ सकती हैं। बहस सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे किया जाए, इसके बारे में भी सोच विचार जरूरी है। लेकिन अब आपको दिखा देते हैं देश भर के ताजा आंकड़े, किस तरीके से लगातार पिछले 24 घंटे में मामले बढ़ रहे हैं। कुल मिलाकर अब देश भर में 70,756 मामले हो गए हैं, मौतें हुई हैं 2,293 और ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 22,455 बताई जा रही है। अब राज्यवार स्थिति भी आपको दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले आपको दिखा देते हैं कि 24 घंटे में कितने केसेस अब तक आए हैं। 3,604 केसेस पिछले 24 घंटे में देखे गए हैं, 87 मौतें पिछले 24 घंटे में हुई हैं और ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 1,538 है पिछले 24 घंटे में। तो अब आपको दिखा देते हैं कि जब खाली पेट होता है और खाली जेब होती है और सामने पहाड़ जैसी मंजिल हो तो चलना कितना मुश्किल हो जाता है। रोजगार और संक्रमण के डर से परेशान मजदूर पैदल ही घर लौट रहे हैं, कई 100 किलोमीटर की यात्रा बेहद कठिन है, लेकिन उनके सामने कोई और रास्ता ही नहीं। मजदूर अपनी लड़ाई हौसले से लड़ता है और हौसले से ही जीतता है, ठान ले तो 1,000 किलोमीटर की दूरी पैदल ही पार। रोज कमाने खाने वाले कामगार घर लौटने को मजबूर हैं, काम ठप है, जेब खाली है, मजदूर ने हताशा के माहौल में अपनों के बीच लौट जाना ही बेहतर समझा और इस मकसद से कई 1,000 किलोमीटर दूर अपने घरों की ओर पैदल ही चल पड़े। यूपी के फिरोजाबाद से कटनी जाता दिखा, सिर पर अच्छा खासा वजन, हाथ थामे बच्चे और लंगड़ाते बुजुर्ग, चलते चलते पैरों में छाले पड़ गए, पर करें तो क्या करें, बेबसी की ये तस्वीर। कल कोई हरियाणा से आ रहा था तो कोई लुधियाना से, किसी के पास साइकिल थी तो कोई पैदल ही चल रहा था। उन्नाव तक जाना है, घर वाले इंतजार कर रहे हैं। इस बार खाली जेब हाईवे पर खामोशी से चलते
ऐसे ही कामगारों पर नजर पड़ी। कोई यूपी जा रहा था, कोई बिहार, किसी की मंजिल झारखंड थी। जयपुर और अजमेर के बीच में हमने ऐसे सैकड़ों की तादाद में इन प्रवासी मजदूरों को अलग अलग गुट में, अलग अलग झुंड में जाते हुए देखा है, जो अपने गंतव्यों की ओर रवाना हो रहे हैं। सरकार तो छोड़िए, मदद कोई नहीं करता कि इन्हें कुछ पल आगे छोड़ दिया जाए, और इसीलिए ये पैदल ही निकल पड़े हैं। पुणे में 150 से 200 कामगारों का जत्था सड़क पर चलते दिखा तो पुलिस ने रोक लिया। पुलिस ने समझाया, पैदल चलना ठीक नहीं है, सरकार ट्रेन चला रही है, पर मजदूर बेबस हैं। हर किसी की अपनी अलग बेबसी है। यहाँ पे काम कर रहा था, लेकिन अभी हम लोग काम करना नहीं चाहता सर, हम लोग घर जाना चाहता है। यहाँ बाल बच्चा घर में मर रहा है, खेला खेला बिना खेती बाड़ी करना है। दो महीना से हम लोग नियम को पालन किए ना। यहाँ आप देख सकते हैं कि पुणे में ये तकरीबन 150 ऐसे मजदूर हैं जो खुद होके ही निकल पड़े थे, और इनका कहना है कि उन्हें झारखंड जाना है। इनका जो पूरा डिटेल्स है, जो कि जरूरी था जिला प्रशासन के पास देने के लिए, वो दे दिया है, लेकिन अब तक इनका नंबर नहीं आया है। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ में बिहार के एक युवक ने आत्महत्या कर ली। साथ रहने वालों ने बताया कि लॉकडाउन में घर न जा पाने से बहुत परेशान था। बीमारी और महामारी तो एक दिन काबू में आ जाएगी, लेकिन इस खराब वक्त में इंसानों के बीच भरोसे और विश्वास को जो झटका लगा है, वो कैसे भरेंगे? आज तक और बात अमेरिका की करेंगे। कोरोना का संकट वहां व्हाइट हाउस तक पहुंच चुका है। व्हाइट हाउस के दो स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, और इसकी वजह से उपराष्ट्रपति माइक पेंस को सेल्फ आइसोलेशन में जाना पड़ा है। हालांकि ट्रंप का दावा है कि अमेरिका इस संकट से उबर जाएगा। अमेरिका में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने में बुरी तरह नाकाम रहे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब करीब से इस खतरे को महसूस करने लगे हैं। कोरोना के पांव अब व्हाइट हाउस की दहलीज में पहुंच गए हैं। अमेरिका की सबसे सुरक्षित जगह व्हाइट हाउस में अब तक कोरोना के दो केस सामने आ चुके हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के वैलेट और उपराष्ट्रपति माइक पेंस के प्रेस सचिव में कोरोना की पुष्टि हो चुकी है। अब चर्चा ये भी शुरू हो चुकी है कि क्या ट्रंप और पेंस को ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। He's coming into contact with a lot of people, but again, he tested negative, so we have to understand that. But he comes into contact with a lot of people. It's something probably during this quarantine period we'll probably talk about. I have not seen him since then, but I would say that he will. He and I will be talking about that. America में कोरोना से मौत का आंकड़ा 80,000 पार कर चुका है। अब तक यहां 13,00,000 से ज्यादा केस आ चुके हैं। फिर भी ट्रंप फेस कवर लगाने से लगातार इनकार करते रहे हैं। 73 साल के ट्रंप उस आयु वर्ग में हैं जिसे कोरोना के लिए जोखिम वाला माना जाता है, पर उनका हौसला बुलंद है। वो कोरोना से जंग जीतने की हुंकार भर रहे हैं। We will defeat this horrible enemy. We will revive our economy and we will transition into greatness. That's a phrase you're going to hear a lot because that's what's going to happen. We're going into the third quarter and we're going to do well. In the fourth quarter we're going to do very good, and next year I think we're going to have one of the best years we've ever had because there's a tremendous pent up demand. अमेरिका में कोरोना के बढ़ते केस के बावजूद ट्रंप लॉकडाउन खोलने के पक्ष में हैं। लगातार जानकार ताकीद कर रहे हैं कि इससे तबाही हो सकती है। दुनिया का सुपर पावर भारी पशोपेश में है। आज तक लगभग पूरी दुनिया कोरोना की मार झेल रही है। कई देशों में लॉकडाउन है, लोग परेशान हैं, घरों में कैद हैं, लेकिन लोगों को बीमारी की चिंता कम, अब लॉकडाउन की चिंता ज्यादा हो गई है। देखिए किस तरह अमेरिका में लोग लॉकडाउन तोड़कर पार्टी करने के लिए बाहर आ गए। ये कोई पुराना वीडियो नहीं है, कोरोना की मार से बुरी तरह जूझ रहे अमेरिका का एकदम ताजा वीडियो है। तमाम पाबंदियों को ताक पर रखकर कोलोराडो के कैसल रॉक में बड़ी तादाद में लोग रविवार को मदर्स डे मनाने एक रेस्टोरेंट में पहुंचे। अगर आपको लग रहा है कि लॉकडाउन तोड़ने में अपने यहाँ के लोग ही माहिर हैं, तो अमेरिका की ये तस्वीर आंख खोलने के लिए काफी है। ना सोशल डिस्टेंसिंग की फिक्र, ना अपनी जान की चिंता। मैक्सिको के सैन मटियो कपुलक में पुलिस की कार में ये लोग सिर्फ इसलिए गुस्सा निकाल रहे हैं क्योंकि कोरोना की पाबंदियों ने इन्हें परेशान कर दिया है। सरकारी टीम इलाके को सैनिटाइज करने पहुंची थी और लोग भड़क गए। मैक्सिको में कोरोना के अब तक 35,000 से ज्यादा केस हो चुके हैं, जबकि 3400 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। तस्वीर पेरू की राजधानी लीमा स्थित महिलाओं के जेल की है। महिला कैदी हाथों में प्लेकार्ड लहराकर मदद की गुहार लगा रही हैं। हाल ही में एक महिला कैदी की कोरोना से मौत हो गई थी।
इस वजह से तमाम कैदी बुरी तरह खौफ में हैं। महिला कैदी अपने बच्चों को जेल से रिहा करने की मांग भी कर रही हैं। बच्चों को जेल परिसर में ही कैदी माओं के साथ रखा गया है। आज तक ब्यूरो। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि दुनिया भर में लॉकडाउन से निकलने के लिए कौन कौन से फॉर्मूले अपनाए जा रहे हैं, कौन से देश में लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग वाली पार्टियां हो रही। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, सिंगापुर, चीन सहित दुनिया के तमाम देश किस तरह से लॉकडाउन से बाहर निकलने का प्लान बना रहे हैं और इसके साथ ही उसे लागू भी कर रहे हैं। आज दुनिया भर में पहले आज तक के संवाददाताओं ने आपके लिए एक ग्लोबल लॉकडाउन की रिपोर्ट तैयार की है। अगर आपके मन में लॉकडाउन के खुलने की उम्मीदें हैं तो आप ये रिपोर्ट जरूर देखिए। पूरी दुनिया एक सवाल को लेकर हैरान और परेशान है कि आखिर लॉकडाउन से बाहर निकलें तो कैसे। लॉकडाउन को लेकर दुनिया के अलग अलग देशों की स्थिति कभी हाँ कभी ना वाली है। भारत भी लॉकडाउन से निकलने के लिए चाबी ढूंढ रहा है। ऐसे में आज हमने पूरी दुनिया की लॉकडाउन रिपोर्ट तैयार की है ताकि ये समझा जा सके कि दुनिया के दूसरे देश लॉकडाउन से बाहर निकलने के लिए क्या कर रहे हैं और भारत के लिए आगे का रास्ता क्या हो सकता है। फ्रांस धीरे धीरे यूरोप के सबसे कड़े लॉकडाउन से बाहर निकल रहा है। 17 मार्च को यहां 8 हफ्ते का लॉकडाउन लागू किया गया था लेकिन अब लोगों की आवाजाही शुरू हो रही है। आज डी कन्फाइनमेंट का पहला दिन है फ्रांस में। इसका मतलब कि आप घर से बाहर निकल सकते हैं बिना परमिशन स्लिप के। लेकिन जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हैं अभी तक सड़कें काफी खाली हैं क्योंकि लोगों को कोरोना का डर अभी तक है, स्पेशली रेड जोन में। अब पेरिस रेड जोन में आता है और हमें बहुत क्लियरली एडवाइज किया गया है कि आप सोशल डिस्टेंस बनाकर रखें, घर से काम करें जहां तक मुमकिन है और बच्चों को तभी स्कूल भेजें जब आपके पास और कोई उपाय नहीं है। रेस्टोरेंट्स और पार्क अभी तक बंद हैं और लोग इतने आसानी से एक दूसरे के घर भी नहीं जाने वाले। तो अब डी कन्फाइनमेंट बिल्कुल अचानक जिंदगी को नॉर्मल तो नहीं बनाने वाली, लेकिन एक चीज जिससे लोगों को बहुत ही ज्यादा मदद मिली है वो है कि यहाँ की गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है बहुत ही क्लियर है और जो वीकर सेक्शंस है उनको फाइनेंशियल एड भी दिया गया है। और जैसे आप देख रहे हैं आज का मौसम बहुत ही अच्छा है और ये पहला दिन है डी कन्फाइनमेंट में, तो मैं तो चली एक लंबे वॉक के लिए। फ्रांस में आज से प्राइमरी स्कूल खुल गए हैं, कपड़ों की दुकानें, किताबों की दुकानें और सैलून भी खुल गए हैं, लेकिन अब भी पेरिस रेड जोन में है और फ्रांस की सरकार ये कह चुकी है कि अगर संक्रमण फैला तो लॉकडाउन फिर से लग सकता है। अगर वायरस फिर से फैलता है और लोगों की सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ता है जैसा कि पहले भी जोन वाइज किया गया था। लंदन की सड़कों पर ट्रैफिक दिखने लगा है क्योंकि वहां बहुत से लोग काम पर लौट रहे हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कि लॉकडाउन अभी खत्म नहीं होगा, हालांकि उन्होंने लोगों को काम पर लौटने के लिए कहा। We have made progress in satisfying at least... कुछ परिस्थितियों में सुधार तो है लेकिन अभी स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए इस हफ्ते लॉकडाउन से कोई राहत फिलहाल नहीं मिलने वाली। 13 मई को लोगों को सार्वजनिक स्थान पर वर्कआउट करने की इजाजत मिलेगी, लोगों की आवाजाही भी बढ़ जाएगी और इस पर पाबंदियों में ढील दी जाएगी। मैं खड़ी हूँ रिवर थेम्स के पास मिलबैंक वेस्टमिंस्टर में। पीछे है हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। ये वो खूबसूरत जगह है जहाँ लोग अक्सर आके वक्त बिताना चाहते हैं और कई लोग अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ यहाँ पीछे देखें आप वक्त बिता रहे हैं। लेकिन ये पार्क अब ज़्यादा लोग यहाँ पर आ सकते हैं। जल्द ही इस बुधवार से ही प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने अनाउंस किया है कुछ मॉडिफिकेशन यहाँ के लॉकडाउन में। तो इसके तहत तीन फेजेस हैं। पहले फेज में वेंसडे यानी बुधवार से ही लोग इस तरह पार्क में आ सकते हैं जब भी चाहें, जितनी भी देर के लिए। अमेरिका के सबसे बड़े कोरोना हॉटस्पॉट न्यूयॉर्क के आसपास आर्थिक गतिविधियां 15 मई के बाद शुरू हो सकती। वहां यूएफएस का एक स्पोर्ट्स इवेंट भी शनिवार को हुआ था और तमाम नेशनल पार्क्स में भी लोगों की सीमित आवाजाही के साथ टेस्टिंग की जा रही है। न्यूयॉर्क में 15 मई को न्यूयॉर्क ऑन पॉज का जो ऑर्डर है, जो स्टे एट होम या लॉकडाउन का ऑर्डर है, वो एक्सपायर होने जा रहा है और लोगों को उम्मीद ये है कि 15 मई के बाद धीरे धीरे बिजनेसेस खुलना शुरू हो जाएंगे। गवर्नर कोमो ने कहा है कि वो काफी मेट्रिक्स देके 4 फेजेस में
ये खुलाए करेंगे और शुरू में मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन के जो जॉब्स हैं स्पेशली अपस्टेट न्यूयॉर्क में वो पहले शुरू किए जाएंगे। जर्मनी में लॉकडाउन हटाने की मांग को लेकर शनिवार को हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया था और उसी दिन जर्मनी ने लॉकडाउन से छुटकारा पाने का उद्घोष करते हुए पार्टियां भी शुरू कर दी। हालांकि इस दौरान भी वहां के लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन कर रहे हैं। सिंगापुर इस वक्त अपने सर्किट ब्रेकर वाले फेज में है। सर्किट ब्रेकर का मतलब है संक्रमण की चेन को तोड़ने का समय। सिंगापुर में प्रवासी कर्मचारियों के बीच कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं। हालांकि इसके बावजूद वहां के मंत्री ये कह रहे हैं कि संक्रमित लोगों को क्वारंटीन किया गया है और वहां के हालात अब स्थिर हो रहे हैं। ऐसे में 12 मई से धीरे धीरे पाबंदियों में ढील दी जाएगी। सिंगापुर के पार्कों में कैमरे से लैस रोबोट तैनात किए गए हैं जो ये देख रहे हैं कि सार्वजनिक जगहों पर कितने लोग हैं और वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं या नहीं। सोमवार को सिंगापुर में 486 नए कोरोना वायरस के केसेस रिपोर्ट किए गए। एक बार फिर इनमें से सबसे ज्यादा संख्या माइग्रेंट वर्कर्स की है जो यहां की फॉरेन डॉर्मेट्रीज में रहते हैं। सिंगापुर में इन्फेक्शन की कुल संख्या अब 23,822 पहुंच चुकी है जिसमें 20 लोगों की मौत हुई है। सिंगापुर मंगलवार यानी कि 12 मई से अपने लॉकडाउन में कुछ ढील देगा। ढील देने की एक बड़ी वजह यह है कि यहां पर जो कम्युनिटी केसेस हैं और अनलिंक्ड केसेस हैं उनके नंबर्स में गिरावट आई है। चीन ने भी अपने लॉकडाउन में ढील दी है और आर्थिक गतिविधियां शुरू कर दी हैं। चीन के हेबेई प्रांत और हेनान प्रांत में कई बड़े प्रोजेक्ट शुरू हो गए हैं। जिस चीन से कोरोना वायरस पूरे दुनिया में फैल चुका था वहां की स्थिति अभी काफी सामान्य हो चुका है। ज्यादातर शहरों से लॉकडाउन हटाया गया है। पिछले कुछ हफ्तों में 2-4 केसेस आए थे लेकिन उसका असर ज्यादा दिखाई नहीं दिया। यहाँ पे लॉकडाउन काफी कड़ाई से पालन किया गया है और अभी स्थिति काफी स्टेबल है। दक्षिण चीन में करीब 13 कॉलेजों में 11,700 छात्र वापस अपने कैंपस में लौट गए हैं। 25 जनवरी से बंद पड़ा शंघाई का डिज्नीलैंड थीम पार्क जनता के लिए खुलने वाला है। हालांकि चीन की एक दिक्कत ये भी है कि वहां के वुहान में कोरोना के नए मामले सामने आए हैं और उन मामलों में लक्षण नहीं दिख रहे हैं। इसके अलावा बेल्जियम में आज से कई बिजनेस शुरू हो रहे हैं। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाएगा। रेस्टोरेंट्स, बार और कैफे बंद रहेंगे। नीदरलैंड्स में आज से प्राइमरी स्कूल दोबारा खुल रहे हैं। लाइब्रेरी, ड्राइविंग स्कूल और सैलॉन भी खुलेंगे। स्विट्जरलैंड में प्राइमरी और मिडिल स्कूल फिर से खुलेंगे लेकिन क्लास में बच्चों की संख्या कम रहेगी। कुछ प्रतिबंधों के साथ रेस्टोरेंट्स, बुकशॉप और म्यूजियम भी खोले जा सकते हैं। डेनमार्क में शॉपिंग सेंटर खुल सकते हैं। पोलैंड में भी होटल इस हफ्ते खुल सकते हैं। हालांकि विदेशी पर्यटकों को अब भी 2 हफ्ते के लिए क्वारंटीन किया जाएगा। ग्रीस के कुछ शहरों और स्पेन के बार्सिलोना में बीच पर रौनक लौटने लगी है। इटली और ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ पाबंदियों के साथ बीच खोले जा रहे हैं। हालांकि दुनिया के तमाम दूसरे तटीय इलाकों के साथ साथ भारत में गोवा के बीच भी सूने पड़े। के कुछ इलाकों में 10 लोगों तक इकट्ठा होने की अनुमति दी जाएगी। रेस्टोरेंट्स सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का ध्यान रखते हुए फिर से खोले जा सकते हैं। ये 4 फेज का प्लान है जिसे धीरे धीरे जून के अंत तक लागू किया जाएगा। आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।